Hello everyone, welcome to Math by Rishi. We are doing revision for term one, and we have just finished the topic of matrices and determinants. You have given me two doubts, and first of all, I'll discuss them before I take up anything from my side. So let's see. Fx, it's a very good question of determinants plus function. Dono ko acche sa yahan pe mix kara gaya hai. Hai na, dono ko dekhte hain aasani se, bahut tension nahi honi chahiye. Dekho, yahan pe kya nikalna hai hame? F lambda x minus fx. ठीक है, सो एफ लैम्डा एक्स, एफ इंटू लैम्डा एक्स. अगर मैं ये देखूं तो क्या होगा, एक्स की जगह पे लैम्डा एक्स हो जाएगा, इतना ही तो होता है ना. दिस वुड बी लैम्डा एक्स, दिस वुड रिमेन व्हाट एवर इट इज, दिस वुड रिमेन व्हाट एवर इट इज, एंड दिस वुड अगेन बी व्हाट, लैम्डा एक्स. ठीक है, तो पहला एफ लैम्डा एक्स मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा. ठीक है, और एफ एक्स तो हमें पता ही है क्या है, तो इसमें से मुझे ये सब्सट्रैक्ट करना. चलो ऐसा करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टू लैम्डा स्क्वायर. ठीक है, दिस इज एफ लैम्डा एक्स. सिमिलरली अगर आप एफ एक्स देखोगे तो इसको तो डायरेक्टली आप ओपन कर सकते थे. कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड माइनस टू लैम्डा स्क्वायर. सो करना क्या है हमें, हमें इसको सब्सट्रैक्ट करना है. जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दिस जो टू लैम्डा स्क्वायर है वो तो चला ही जाएगा. And I think ऐसा कोई आंसर तो होना चाहिए. सो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो आई थिंक लैम्डा स्क्वायर माइनस वन इज द आंसर. ठीक है, तो बड़े आसानी से आपको इसमें क्या आंसर देना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी. आई होप इट इज क्लियर. आई टेक अप द नेक्स्ट वन. बहुत आसान सा क्वेश्चन था, राइट. फंक्शन का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, एंड आई होप यू विल रिमेंबर दैट. अब यहाँ पे क्या करना है, इफ पी लैम्डा की पावर 4, क्यू लैम्डा क्यूब एंड आर लैम्डा स्क्वायर एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी. यानी जो इसमें कांस्टेंट टर्म है वो कितना होगा, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है. तो ठीक है, ऐसा करते हैं सबसे पहले कि इसको ना कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए टी. अच्छा, काफी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना, काफी लंबी सी कैलकुलेशन इसमें आती हुई दिखती है. अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या करें, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग जीरो बनाने की कोशिश करें, जीरो बनाने की. अच्छा, जीरो कैसे बनेगा, जीरो ऐसे बनेगा कि अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँ और सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो भी लैम्डा हट जाएगा. ओवरऑल तो जीरो नहीं बनेगा, बस हम लैम्डा को रिड्यूस कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, थोड़ा और सोचते हैं, थोड़ा और अगर सोचते हैं तो ऐसा दिखता है. चलो ऐसा करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए ना, कॉन्स्टेंट टर्म पे फोकस करते हैं, है ना, बिना कोई भी प्रॉपर्टी लगाए, बिकॉज एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मुझे लगता है डायरेक्टली भी हो सकता है. देखो करने की कोशिश करते हैं, लेट्स सी. अगर मैं लैम्डा स्क्वायर, मैं अलोंग इसको फर्स्ट रो ओपन कर रहा हूँ बिना किसी टेंशन के, ठीक है, ध्यान से देखना. तो यहाँ मेरे पास आएगा लैम्डा माइनस वन इंटू लैम्डा माइनस फोर. हालांकि मैं अगर ये पेपर कर रहा होता तो मैं ये सब लिखता भी नहीं, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ से जो टर्म आएगा ना मेरे पास उसमें लैम्डा मल्टीपल होगा, सो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव मी टी. तो यहाँ पे जो भी आएगा आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट इवन. ठीक है, हाँ नेक्स्ट टर्म अगर मैं देखता हूँ तो ये माइनस लैम्डा माइनस वन, हाँ इसमें से कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आने के चांसेस बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस दिस. ओके, सो दिस इज थ्री लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस वन एंड माइनस साइन के साथ लैम्डा माइनस फोर इंटू लैम्डा माइनस थ्री. यहाँ से एक बार को कॉन्स्टेंट टर्म मिलने के चांसेस बनते हैं, तो आई यस आई कंसिडर दिस, बट फर्स्ट वाले को तो कंसिडर भी करने की जरूरत नहीं है. लैम्डा प्लस थ्री के साथ ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा मेरे पास लैम्डा प्लस वन इंटू लैम्डा प्लस फोर, है ना. इफ यू वॉन्ट यू कैन स्ट्रेट अवे राइट लैम्डा स्क्वायर प्लस फाइव लैम्डा एंड प्लस फोर. और माइनस जब ये करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, माइनस जब करूंगा, बिकॉज हमें तो सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म से मतलब है. ठीक है, तो चाहो तो सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म पे भी फोकस कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. जैसे कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा मेरे पास माइनस का सिक्स. ठीक है, तो माइनस का सिक्स विल मेक इट बट प्लस सिक्स. ठीक है, आई एम वर्किंग ओनली विद द कॉन्स्टेंट, नथिंग एल्स. तो देखो यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म जीरो, यहाँ से कॉन्स्टेंट टर्म माइनस वन, और ये कुछ भी नहीं देगा, ये आपको देगा माइनस बारह. ठीक है, तो माइनस बारह और प्लस वन, माइनस बारह और ये तुम्हें क्या मिलेगा, प्लस वन. तो माइनस बारह प्लस वन विल गिव यू व्हाट, माइनस बारह. यहाँ से ओवरऑल कितना मिलेगा, सिर्फ माइनस बारह. सिर्फ इस एक चीज पे फोकस कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंट, नथिंग एल्स. जो चाहिए वहां पे पूरा पूरा ध्यान है. ठीक है, ओके फैंटास्टिक. यहाँ देखा मैंने तो ये आ गया मेरे पास कितना, दस. दस को मैं तीन से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो कितना मिलेगा मुझे, थर्टी मिलेगा, थर्टी मिलेगा. अब बताओ मुझे प्लस थर्टी माइनस ट्वेल्व कितना होता है, प्लस एटीन.
शुड बी द आंसर। इफ यू हैव द आंसर की यू कैन जस्ट कंफर्म मी ओवर द चैट बॉक्स। जल्दी से बताओ।